अंदर तां खोज दी गई सी उधरों कोई हो रहा है सन इधरों आका दे गुलाम सन मैनू सिर्फ इतना दस दौ भी तुसी कौन हो ते असी कौन शायराना जोर बनिया नवाब जादा दा शेर है बड़ा कमाल कहता फिर शोर सलासिल में सुरूर अजली है फिर शोर सलासिल में सुरूर अजली है फिर पेश नजर सुन्नत सज्जादे वली है और कब कटी है शब हिजरा अश्क बहाने से और कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है हम रह रहे दश्ते बला रोजे अजल से और काफिला सालार हुसैन इब्ने अली है हम रह रहे दश्ते बला सानू आजमान दे हो असी तुहानू कदी नहीं आजमाया क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं सानू आजमान दे हो ते सवेरे सही पपी छेड़ लांदे हो पपी छेड़ लांदे हो इस तरह ना करो असी तुहाडे नाल नहीं टकराना चाहते और दूसरी बात ये कि वैसे भी ये पूरी हुकूमत है इस नाल तो साडा मसला ही कोई नहीं साडा तो मसला उन्होंने वाले जड़े जनाब हवा के बैठे हुए और पूरी हुकूमत को हक ही हासिल नहीं कि वो साडा रास्ता रोके पंजाब पुलिस को हक हासिल ही नहीं कि वो साडा रास्ता रोके एक कानूनी भी बात है आईनी भी बात है क्योंकि इतने अबूरी हुकूमत है और अबूरी भी आईनी मुद्दत खत्म हो चुकी तकरीबन ते तुहाडा हक ही नहीं सानू रोको असी कोई दावा नहीं करते ये पुरानी गल हो गई खंद का खोदनिया कोई नवी शह लियाओ शाह साहब के सामने मैं पढ़ा जाना गए वो दिन जब तेरे दीवाने थे हम न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम अल्लाह की कसम इतना भी दिल च गल नहीं है कि तुसा खंदक खोदी हुई अगे असी ये चाहते हैं और मैनू है साढ़े छठा साहब ने दसिया भाई वो कहने स्टेज ला लवो अद्धा घंटे का टाइम है जे वरना असी स्टेज लै जावे असी चाहते हैं तुम स्टेज लै जाओ फिर सराय आलमगीर तो काफिला उदो टुरेगा जो तुम आप स्टेज ला के दो ट्राला होएगा फ्लैक्सा होनगियां दरिया होनगियां कोई साउंड होएगा बा एक ही रहना लै जाओ सवेरे काफला हो तो अगे तां टुरेगा तुसी आप लैके आओगे जे नहीं तो फिर असी नवा स्टेज ते नवा ट्राला फैजाबाद जाके लावांगे तुहाडी मर्जी असी तो तुहाडे जनाब कोर्ट च गेंद रखी हुई क्योंकि तकरीर बहुत सारी हो चुकी हैं मैं मोड़ते मैं डटकी की गल कर दिया भाई मेरी गल सुनो ये तुसा डेढ़ साल बाद जो कहना कि हमने किसी लांग मार्च का रास्ता नहीं रोका था आज बंदे दे पुत्र बनो क्यों कौम दे बच्चे आपस लड़वाना चाहते हो ये पुलिस वाले भावे वर्दी पा के खड़े साढ़े बिरान सानू दस्ते पहन भाई कित्थे की किवें क्यों किस तरह हुण साडे बाबा जी पुलिस वाली गड्डी नाल लगे ते पुलिस वाला भाई आया वो नवे जुतियां दे जोड़े दे के गया कहंदा जी इहना बाबा जी नूं साडी तरफों पवा देना इहना दे पैरां जुतियां कोई नहीं सन ते तुसीं इस मुहब्बत नूं नफरत च क्यों बदलना चाहते हो तुहाडा मकसद की है ये याद रखना उहनां अगों हट जाणा ते घर तुहाडे आ जाणे अगे इस वास्ते असीं इधर नहीं जाना चाहते असी अपने मुतालबात लैके आए हाँ असी पहले कि असी कराची भी साडा मुल्तान भी साडा लाहौर भी साडा सिंध भी साडा बलूचिस्तान भी साडा पिशावर भी साडा केपीके भी साडा इस्लामाबाद भी साडा किसी के प्यो को पुछ के तो असी जाना नहीं कवे 15 किलोमीटर की हदूद मेरी है और तू तो वजीर आजम 15 किलोमीटर का तेरी किवें जेलम की हदूद आ गई तेनू की
ਕੀ ਜੇਲਮ ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਜੇਲਮ ਤਾਂ ਔਲੀਆ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਾਮੀਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਤਥੀਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਮਚਾਇਆ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਆਤੀ ਹੈ ਨਰਗਾਏ ਰਹਜ਼ਨ ਸੇ ਮੁਝੇ ਸਦਾ आती है नरगाए राहजन से मुझे सदा फराज दार से देख लो कहीं कारवाने सहर ना हो क्या बात क्या बात क्या बात क्या बात तो गल ही कोई नहीं खंदका असी तो फट्टे से चढ़ के भी कहना लब कराची तो लेके खारियां तक और जनाब अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार तो लेके खारियां तक एक पत्ता भी नहीं टूटा एक जगह भी कोई गल नहीं हुई और रस्ते फसल बागात बल्कि अंबा का मौसम है और हम पके हुए हम इन्होंने बागात आए किसी ने मैली आखना भी नहीं देखा हूं असि खारियां बाजार खड़े हो अजवा बेकर आलन जी और केक सैंड बेक्स आलन ऐ जनाब अंबाला स्वीट्स आलन ऐ सारे दरबार और जनाब सारे खुले हुए किसे एक बंदे ने नहीं मुफ्त जाके पेस्ट्री नहीं लई की बोतल भी नहीं लई इसका मतलब है कि तुहानू दर दे रहे कि इतना पुर अमन और इतना पुर बकार और इतना पुर जोश मार चल के मेरिया तुसी इसनु तशद्दुद वाले रस्ते पासे लेना चाहते हो असी सवेरे 10 बजे तक नहीं लेना चाहते चलो 12वीं वाले दे नां ते 12 बजे तक 12 बजे तक असी इस मार्च नु तशद्दुद वाले रास्ते नहीं लेना चाहते रही गल तुहानू तकलीफ की है असी फैजाबाद जाके जलसा करिए असी जनाब लियाकत बाग के जाके जलसा करिए जी गुजर खान जाके जलसा करिए तुहाडे प्यो दा पाकिस्तान साडा जिथे दिल करेगा जिस टाइम दिल करेगा असी इस्लामाबाद नूं टुर पवांगे लीडर आप 50 रुपए के स्टाम्प ते नसे आया और जिन्ने पैसे इतने खर्च कर रहे हो उन्ने ला के उसनु ले आओ इत्थे दोबारों ले आओ लंदन चो जिन्ने पैसे साडे ते खर्च कर रहे हो उतने टिकट करा के उन्हें ले आओ इतने बारे हो सकता तो अड़ी गल बन जाए गल बननी फिर भी नहीं गल इंशाल्लाह नहीं बननी गल सिर्फ उदों ही होंदी होनी जिहड़ी हुजूर दी नामोस ते पैरा देगा जिहड़ा इस्लाम दा वफादार होएगा जिहड़ा पाकिस्तान दा वफादार होएगा और रही तुहाडी गल ते तुहाडे तो पहले तुसी पहले भी आजमा सके हो असी अडियाला जेल भी भरी हुई अटक जेल भी भरी हुई हां जी पिंडी जेल भी भरी हुई असी जनाब लाहौर कोट लखपत भी भरी हुई जेलम जेल भी भरी हुई हालदाबाद जेल भी भरी हुई पाकिस्तान दी ऐसी की जेल नहीं जिथे असी ना गए होइए लबै वाली बड़ियां बड़ियां मंडियां भरी जेल असा देखी होई यार असा फटे भी देखे होए रही गल तुहानू डर दे वे के पाकिस्तान दे वारिस जाग चुके हैं इन्हां दा नारा सुन लो है कहंदे ने हथकड़ी पा के भी हथकड़ी पा के भी थाने जा के भी शेड्यूल लवा के भी गर्दी का परचा कटा के भी जेलों में जाके भी कोठरियों से जाके भी
कोर्टा में जाके भी, FIA दी सेल जाके भी, पखाने जाके भी, जेवेड़ा आया मुमताज कादरी तरह ना फट्टे दे चढ़ के भी। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਏ
तेन पौधे टक्कर का शौक है ना, तू हमजा शबाद नू लैके आ। जो नीड़े दो रखे ना लंदन ने हुसैन दे असर अगर तेन बहुत ही खारिश हो रही ना तहरीक का मार्च रोकने वास्ते ते ओ तो बबलू भी बुला लै करीब पफ रोल भी बुला लै गैर पार्लीमानी शर्मो है पार्लीमानी तरीका ये खंदक खोड़ना पार्लीमानी मैं तो पूछा भाई खंदक कदों खोदी गई सी सानू दसो ना तुसी कौन हो असी कौन हां क्या बात क्या बात है पाकिस्तान साडे बड़े ने बनाया हां तोडे बड़े ता जड़े सन ना उस टाइम लोहे कुट रहे सन बेशक हां जी उस टाइम भठियां बंदे साड़ रहे सन और साडे बड़े सन अल्लामा फजलिया खैराबादी आबदुल्ला शाह मदरासी किफायत अली काफी सदरुद्दीन आजुर्दा असरत मोहानी जड़े अंग्रेज के खिलाफ जनाब जिहाद कर रहे सन उन्हां दी जेलां भी कट रहे सन उन्हां दे ज़ुल्म ते तशद्दुद भी बर्दाश्त कर रहे सन और कह रहे सन हसरत मोहानी 27 साल चक्की पीण तो बाद जदों अंग्रेज आके कहंदा सी माफी मांग लै छुट्टी लग जाए लिख के दे दे जो तू लिखना चाहुंदा ओ लिख के दे दे इत्थे तां लिखिया पढ़ रहे ना ओ कहंदे सन जो तू लिख के जाना बड़ा समझदार आदमी को फिर भी गल लिख दे आपने फरमाया है मश्क सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो पर हमसे कसम ले लो और शाहों के तकबर से भी दम करने रहा मैं तो सच्ची गल दसदा जे इत आजादी आला होंदा ना जना और जना तो नहीं वो तो बंदा भी नहीं जने तो है बंदा वो आजादी आला मकरोटा बल्कि खोता इमरान खान की गल कर रहे जे उन्होंने पता लगे होंगे ना भाई ये खंदका खो चुकी हैं ते ओंदी ब्रेक शौकत खानम तोरे नहीं सी लगनी ये तो हुजूर दे गुलामन कोई एक भी नहीं गया बल्कि काफले दे काफले आ गए ये जानते हैं बढ़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से हाँ बढ़ता है शौक हाँ ये तो हमारा शौक और बढ़ गया है पहले तो हो सकता असी लियाकत बाग जलसा करके वापस आ जाए आ जाते हुण तो असी सोच रहे हैं भी जलसा तोड़ करके आना कोई परेशानी तो नहीं बस इतनी गल है जे टक्कर का शौक है सवेरे सारे ले आओ आप आओ जनाब आप आया ना कोई कीमे दे नाना ते आया भाई कोई तनखा दे कोई दिहाड़ी दे कोई बिरयानी दे डब्बे दे असि सारे आप आया जरूरत करो बुलाओ लोरो थड़ी बुला लो सारे गुल्लू बैठ बुला लो सामने खड़े करो ते फिर देख लेने हैं भाई तुसी डाक लेंदे हो कि नहीं बेचारे पुलिस वाले दा की कसूर है ए तनखावा लेंदे ए जनाब कौन दी ए चोर डाकू फड़न वास्ते अगर फड़ना ना सरकार ना को सही काम लेना ते बजरदारी नु हाथ खड़ी लवाओ ते अपने पैरां दी हाथ को बेड़िया पवाओ हां और तुसी भूल गए होणे हो मेनू सारीयां याद हन क्या बात आशियाना भी याद है भट्टा केस भी याद है पाकिस्तान का चलना भी याद है मेनू सारे याद हैं मसीता दे स्पीकर लवाने भी याद हैं कनखड़िया साहब बाबा जी कहंदे सने वजीर आजम नहीं है कनखड़िया इस वजीर आजम की पूरी सियासत बूटा तो शुरू होंदी गोड़िया तक गोड़िया तो शुरू होंदी बूटा तक इनकी तमाम सियासत और तमाम हुकूमत तो ऐसे तक है असी सारियां जानने हैं बंदे बनो इदारियां नाल सानू ना सामना आमना सामना कराओ जरूरतमंद बनो घरों बंदे लैके आओ ओ जनाब जिन्हें अकाउंट चो निकले सन अरबा रुपए की ना सी ओदा मिस्त्री सूद चुकना सी ते आज मनी जड़ा इना दा मकसूद दर्जी ओनु लियाओ मकसूद चपड़ासी ओनु लियाओ चुक के ओ सरकार जिन्नू अरबा खवाए जो ओनु अज हलाल करन दा वेले लियाओ सामने इना 35-35 50-50 हजार बेचारे कौम दे मुल्क दे जनाब इदारे दे मुलाजमन क्यों सामने खड़ा कर दियो लिया मसूद चपड़ासी नु आज जनाब लियाओ उस नु की कहंदे साबर दर्जी नु जिन्हां दे जनाब अकाउंट ते मजे करदे रहो आज बुलाओ हमजा साहब नु बारो उन्होंने कहा जी औखा वेला आ गया कुर्बानी देनी वतन वास्ते ए लपैक वाले वतन दुश्मन आ कौन जे तुसी असी गलत हां
ਤੇ ਘਰੋਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਚਾਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਤਾਏ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਐ ਜਨਾਬ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਪੁੱਪੀ ਜ਼ਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਮਾਮੇ ਜ਼ਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਏ ਆ ਬਰਾ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ ਦੋਸਤ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ ਯਾਰ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਵੀ ਲਿਆਏ ਆ ਬਰਾ ਵੀ अपनी जंग अपने डंडा ते लड़ो आ मैदान च जने बनो जने और जना होएगा जिन्हां दी लत्ता साढ़े तीने इत्थे पहुंचण दे खारियां पहुंचण दे काम नहीं जान वो जने ए ता जनाब ओ यन्ना साढ़े वड्डे उन्होंने सानू सबक पढ़ाया होया वरना असी भी जनाब एहो जिहे हालात वेख के नस नस जाना सी ए ता बाबा जी ने दस्या होया ना की दस्या ये सफर है कुएं जाना यहाँ कदम कदम बलाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी और असी अलहमदुल्ला मुस्तनद रस्ते असी मुस्तनद रस्ते दिया और साडा मुस्तनद रस्ता की है कि इस्लाम पाकिस्तान और आवाम काफला और रोड खराब हो रहे हैं असी तो रोड खाली करके सोने हूँ अगे जितने भी रोड बंद हो गए वजह खंदका खोदियां असा तो नहीं खोदियां असी तो जनाब जलसा खत्म किया अद्धा घंटा पौना घंटा जनाब रोड खाली कर दिता ट्रैफिक रवान दवा किसी को कोई तबलीक नहीं तकलीफ नहीं और जनाब हूँ जी कौम खजल और खबार हो रही और इधर आए उधर नहीं जा सकते वो सारिया थोड़िया वजूहत कराची तो लैके इतने तक कोई रोड बंद नहीं होया असी जलसा किया रोड खोल दिता ट्रैफिक खुद गुजारी एंबुलेंस खुद गुजारी जनाब जनाब फौजियों गड्डिया खुद गुजारियां पुलिस गड्डिया खुद गुजारियां एंबुलेंसा खुद गुजारियां ग्यारह बाई दड्डिया खुद गुजारियां हूँ तो सब बंद कितिया हुई इंशाला असी आके रोड खुलवा देंगे है आज बड़े एम्बुलेंस फंसे हुए आज तो नजर नहीं आ रहे होंगे किसी को इंशाल्लाह हम सुबह जाकर एम्बुलेंस भी निकलवाएंगे ट्रैफिक भी निकलोगे कैसी बात है अजब ही चाल चलते हैं दीवान गणेश है जी रियासत का काम है ट्रैफिक चलाना ये काम भी इंशाल्लाह लबैक वाले सुबह करेंगे करोगे भाई हम वहां जाना है ट्रैफिक की रवानी के लिए ताकि ट्रैफिक रवा दवा हो जाए एम्बुलेंस से गुजर सके गाड़ियां गुजर सके मरीज गुजर सके बसें गुजर सके ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो हमने जाकर सुबह खंदके भरनी है रवाना करना है इंशाल्लाह हम किस लिए जा रहे हैं वहाँ से खुलवाने के लिए ट्रैफिक की रवानी के लिए और हुकूमत ने क्या किया है रस्ते रोके हुए कितनी बुरी बात है रास्ते रोकना कितनी गलत बात है किसने रोका हुआ है रास्ता भाई किसने रोका हुआ है हमने सुबह जाकर क्या करना है रास्ता खुलवाना है ट्रैफिक की रवानी बहाल करानी है और खंदकों को भर के बराबर करना है रोड के ताकि गुजरने वालों को ज्यादा जंप ना लगे ये हमारा इंशाल्लाह सुबह का प्लान है आप जरा नारा लगाएं सारे हाथ खड़ा करके